नमस्कार। आज हम आपको एनसीईआरटी क्लास 9th का 2.3 बताने वाला हूँ। इस वीडियो में हम सब देखेंगे कहा जा रहा है, ये प्रश्न है, कहा जा रहा है निम्नलिखित को भाग देकर शेषफल ज्ञात करना है। पहला वाला जो सवाल है किससे भाग करना है आपको, वो दे रहा है। कहा जा रहा है पहले पहले ने जो नंबर दिया है, कहा जा रहा है कि एक्स प्लस वन से आप भाग दीजिए, तो एक्स प्लस वन से हम भाग देंगे। चलिए आपको हम बताते हैं कैसे भाग दिया जाता है। ध्यान दीजिएगा, x प्लस वन से भाग देना है तो पहले वाले जो वेरिएबल होता है, जो चर होता है, इसी काटा रहता है। अगर हम यहाँ लिख दें कितना x स्क्वायर लिखेंगे, तो इसका गुणा इसमें जब करेंगे, ध्यान दो, तो दे अगर इसमें हम गुणा करेंगे तो देखो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, एक में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर करेंगे हो जाएगा। जब इसमें हम गुणा करेंगे एक्स में इसी से, तो क्या हो जाएगा, यहाँ दो घात है, यहाँ एक घात, कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब हो गया। और क्या चिन्ह किसका लगेगा, प्लस का लगेगा, क्यों, क्योंकि तो दोनों में क्या है, प्लस है। अब क्या करना है, घटाते वक्त आपका चिन्ह बदल जाता है, आप सब जानते हो। तो यहाँ चिन्ह माइनस हो जाएगा, यहाँ चिन्ह माइनस हो जाएगा। आप सब देख रहे हो कि एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस में भी है, एक्स क्यूब जो है माइनस में है। जब प्लस माइनस में होता है तो हम लोग काट सकते हैं आसानी से, ऐसे काट दिए। आप देखो यहाँ पर कितना लिखा हुआ है, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस कितना है, एक्स स्क्वायर। अब तीन एक्स स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर जो है चला जाएगा, तो हमारे पास बचेगा टू एक्स स्क्वायर बचेगा। ठीक है, ये क्या है, प्लस में है, क्योंकि चिन्ह जिसका चिन्ह बड़ा होता है वही उतरता है। अब हम एक संख्या आगे बढ़ा लेंगे, कितना ले लेंगे, थ्री एक्स इसे उतार लेंगे। अब जैसा कि हमने पहले आपको बताया, करना क्या रहता है कि जो है अगला वाला जो जो यहाँ पर दिया रहता है ना, एक पहला वाला पद ही जो है काटना रहता है। तो हमने जब भाग दिया इससे, तो यहाँ हमको टू है, टू लाना है, तो हम अगर प्लस यहाँ टू लिख देंगे तो यहाँ टू आ जाएगा। लेकिन अगर हम यहाँ यक्स है, अगर यहाँ हम यक्स लिख दें तभी कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर तभी आएगा। ठीक है, इसको ध्यान में रखना आपको पड़ेगा। अब अगर हम लोग क्या करें, टू एक्स अगर यहाँ लिखे हैं तो दो एक्स इसमें गुणा करोगे कितना हो जाएगा, दो एक्स ही आएगा। यहाँ लिखोगे इसके नीचे दो एक्स, अगर हम एक में गुणा किए तो कितना है, दो एक्स आएगा। यही टू एक्स से अगर एक्स में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो टू एक्स स्क्वायर, अब चिन्ह किसका लेंगे, प्लस का, यहाँ प्लस है तो ले लिए हमने, प्लस ले लिया। अब आपको हमने जैसे पहले बताया, क्या कहा कि जब घटाओ कि आप, तो चिन्ह लग जाता है माइनस का, घटाते समय चिन्ह बदल जाता है। अगर प्लस का रहता है तो माइनस, माइनस का रहता है तो प्लस हो जाता है। अब देखिए सेम है ना, ये हम लोग काट सकते हैं ऐसे पूरा। अब देखो थ्री एक्स प्लस में है और ये टू एक्स माइनस में है। अगर थ्री एक्स में से हम लोग निकालेंगे टू एक्स से, तो बचेगा सिर्फ वैक्स अकेले, क्यों, प्लस में रहेगा ये, क्यों रहेगा, क्योंकि ये बड़ा है। अब यहाँ पर एक बचा है, तो एक हम क्या कर लेंगे, ऐसे उतार लेंगे। अब ध्यान दो, अब यहाँ एक्स प्लस वन है, अगर हम एक यहाँ लिख दे प्लस, ठीक है, एक यहाँ लिखेंगे तो यहाँ पर एक्स का नाम एक्स, अर्थात कितना आ जाएगा, एक्स प्लस वन ही आ जाएगा। ठीक है, अर्थात जब घटाएंगे, घटाते समय चिन्ह बदल जाता है, तो ये भी कट गया, आपका ये भी कट गया, तो शेषफल कितना निकला, शून्य निकला, अर्थात कोई शेषफल यही नहीं बचा है। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं शेषफल ये शून्य प्राप्त हुआ। ठीक है, तो शेषफल हमारा जो शून्य हुआ, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 2.3 का जो पहली सवाल है, शेषफल इसमें पूछा जा रहा है, तो शेषफल कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है, अब अगले टॉपिक चलेंगे हम लोग। अब हम लोग 2.3 का सेकंड वाला पार्ट देखेंगे। अब इसमें कहा जा रहा है कि जो क्वेश्चन दिया गया है सेकंड वाला, एक्स माइनस वन बाई टू यानी हाफ, यानी कि एक्स माइनस हाफ से आपको भाग देना है। अब ये भी कहा जा रहा है कि आपको इसमें भी शेषफल निकाल के बताना है। चलिए हम आपको शेषफल निकाल के बताते हैं। जैसा कि हमने पहले कहा कि पहले वाले टर्म को आपको काटना रहता है हमेशा, तो हम क्या करेंगे, अगर हम लिख दिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर लिखें, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अगर एक्स स्क्वायर हमने लिखा, इसमें से भी गुणा होगा, इसमें भी गुणा होगा ना, तभी अगर इसमें से हम गुणा करेंगे हाफ, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर देखो यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, प्लस माइनस होता है माइनस, तो कितना हो जाएगा, एक बटे दो, ध्यान दो, एक बटे दो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब अगर इसमें गुणा करोगे आप, कितना हो जाएगा, यहाँ पर दो घात है, यहाँ पर एक घात है, कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब बन जाएगा आपका। जैसे कि हमने कहा कि जब घटाओगे चिन्ह बदल जाता है, यहाँ पर क्या है, प्लस है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस, यहाँ देखो प्लस चिन्ह, कोई चिन्ह नहीं रहता, प्लस बना जाता है, अब ये क्या हो जाएगा, माइनस, यहाँ पर देखो माइनस है ना, यहाँ पर प्लस बन जाएगा, चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, अब देखो यहाँ प्लस है, यहाँ पर माइनस है, तो ये हमने काट दिया। ठीक है, वही चीज था, सेम चीज था। अब देखो ये प्लस में, ये भी प्लस में है, तो एक बटे दो, यानी कि हम आपको हल करके बताएंगे, इसको हल करना रहेगा। इसका मतलब क्या है,
अब देखो 3x² है प्लस कितना 1/2x है स्क्वायर, अगर इन दोनों को हम जोड़ें तो कितना बनेगा, आइए हम लोग आपको करके बताते हैं। अगर इसका इसमें गुणा करोगे कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 ना, 3 दूनी 6 निक्षा एक कितना हो जाएगा, इसको हम इसका इस तरीके से लिख सकते हैं, प्लस इसको उतार सकते हैं कितना 3x उतार सकते हैं। अब इसका इसमें गुणा करोगे कितना हो जाएगा, 3 दूनी कितना हो जाएगा 6x² प्लस यहाँ पर 1x² इसको लिखा जा सकता है, बटे में कितना 2 है प्लस कितना 3x है। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं कितना 6 है, 6x² 1x² कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 7x², ठीक है, 7x² अपान कितना हो जाएगा 2 और प्लस कितना ये 3 हो जाएगा, 3x है। अब देखो यहाँ पर 7x² / 2 है, अब पहली बार कितना 7/2 है, अब यहाँ इतना है, अगर हम क्या कर दें यहीं पर, यहां पर ध्यान दो, अगर हमको 7/2 लाना है तो यहाँ 7/2 हमको करना करना पड़ेगा प्लस 7/2 लिखना पड़ेगा। अगर यहाँ यक्स लिख दें, यहाँ यक्स लिख दें तो यह हो जाए x² आ जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दो अगर इसका गुणा इसमें करेंगे फिर इसका गुणा इसमें करेंगे, ध्यान दो कितना हो जाएगा, अगर इसका इसमें गुणा करोगे आप तो कितना पाओगे, ठीक है। अब बगल में हम करके दिखा रहे हैं, देखो 7/2 x x गुणे कितना हो जाएगा 1/2 लगाओगे तो देखो 7 का 9 कितना हो जाएगा 7x है, बटे में कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 तो 7/4 आ जाएगा ना। तो यहां पर ध्यान दो अगर इसका इसमें गुणा किए तो इतना आ गया, इसका मतलब हम लोग लिखेंगे कितना, इसका इसमें जब गुणा करोगे तो माइनस आ गया, ठीक है, क्योंकि माइनस लगा है। माइनस कितना हो जाएगा, -7x बटे कितना 4 हो जाएगा। अब इसके नीचे कैसे करोगे, इसके नीचे ये करो गुणा करोगे तो कितना देखो यक्स एक्स कितना हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, तो 7x² / कितना 2 हो गया। अब जब घटाने समय चिन्ह बदल जाता है तो यहाँ पर माइनस यहाँ पर प्लस, ये आपका कट गया पूरा। अब देखो ध्यान दो आप कि यहाँ पर 3x है, यहाँ पर 7/2 इतना है तो हम इसको काटेंगे कितना हो जाएगा, देखो 3x प्लस में है प्लस कितना 7x/4 ये प्लस में है। अब इन दोनों को हमको जोड़ना है और बच रहा कितना हमारा, 1 बच रहा है तो यहाँ पर 1 लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना क्या है, अब देखो चार यहाँ कितना हो जाएगा 12, 12x है प्लस कितना हो जाएगा 7x है, ठीक है ना, बटे कितना 4 करेंगे प्लस 1 करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा 12 7 कितना हो जाएगा 7 2 9 कितना हो जाएगा 19x हो जाएगा ना, 19x / कितना 4 और प्लस कितना 1 हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग इसको काटना हमको रहेगा, चाहे आप यहीं पर आंसर कर सकते हो, एक लाइन हम आपको बढ़ाकर बता देते हैं, देखो कितना बचता है। अगर हमने कहा अगर 19 को काटना है, 19/4 लिखना है हमको, तो यहाँ पर देखो ध्यान दो यहाँ पर कितना है x है ना, यहाँ पर x -1/2 है, तो अब क्या करोगे हम यहाँ पर देखो क्या करेंगे, हम लेंगे प्लस का चिन्ह लेंगे और कितना करेंगे, ध्यान दो यहाँ पर कितना करेंगे, यहाँ पर देखो 19/4 है ना, तो 19/4 लिखेंगे। क्यों क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हमको गुणा करना है। अब इससे इसमें गुणा जब भी करोगे तो कितना पाओगे, ध्यान दो 19 का इसमें गुणा करो कितना हो जाएगा, देख लो बगल में हम करके दिखा रहे हैं, 19/4 ये है, अब गुणा कितना करोगे, -1/2 से गुणा करोगे तो 19 का 9 कितना हो जाएगा 19 और कितना हो जाएगा 4 दूनी कितना 8 हो जाएगा, 19/8 हो जाएगा। तो इसका गुणा इसमें करोगे कितना हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा 19/8 हो जाएगा। अब अगर इसका इसमें गुणा करोगे कितना हो जाएगा, 19x/ कितना 4 हो जाएगा। अब देखो एक घटाया समय चिन्ह बदल जाता है तो माइनस हो गया, यहाँ हो गया ये प्लस हो गया, तो ये आपका कट गया। तो देखो ध्यान दो तो माइनस कितना है, ये प्लस है, ये ही प्लस है, तो कितना करना है, यानी कि 19 बटे कितना 19/8 है प्लस कितना 1 करोगे तो 8 का 9 कितना हो जाएगा 8 ना, तो 19 + 8/ कितना हो जाएगा 8, तो देखो 9 8 कितना होता है 17 ना, यानी कितना हो जाएगा 27, 27/8 कितना हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। तो यही 27/8 क्या आ जाएगा, शेषफल आएगा, ठीक है दोस्तों, हमारा क्या आ जाएगा, शेषफल, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर ये वीडियो हमारे पसंद आए हो तो अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलिए, कमेंट करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, कैसे दोस्तों, धन्यवाद।